नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल कृषि किंग में मैं अजय कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये अवशिष्ट पड़ा है इसका उपयोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके चारों कोनों पर हमने चार छिद्र निकाल लिए हैं, एक, दो और ये तीन और ये चार, ठीक है। अब इन चार छिद्रों के बाद में हमने लिए हैं दो लोहे के तार ले लिए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये लोहे का तार और ये एक दूसरा लोहे का तार है, ठीक। अब इनको हम क्रॉस रूप से एक दूसरे को व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले ये जो लोहे का तार है इसको इस प्रकार से इसके अंदर डालेंगे क्रॉस रूप में, ठीक है, मल्टीपल के निशान में। तो एक ये यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्रॉस रूप में बनाएंगे इसको, इसको हमने इस प्रकार से व्यवस्थित किया है। और अब इसके अंदर लगाते हैं सदारी, इस प्रकार से इसमें मिट्टी भर देते हैं और साइड साइड में अब बीच में एक गड्ढा कर देते हैं इसके, और साइडों में जो मिट्टी की परत है वो चढ़ा देते हैं। जो बीच का भाग है इसमें भी हम सदारी लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर पूरे के अंदर सदारी लगा देते हैं और इसको कहीं भी ऐसे इसको टांग सकते हैं हम। और पानी डालने के लिए बीच में ये जो स्पेस है कि पानी डालने के लिए, तो पहले ऐसी जगह टांग दें जहाँ पे टांग में है और उसके बाद में इसमें पानी डालना है। तो दोस्तों, हमने इसको यहाँ पे व्यवस्थित कर दिया है और इस प्रकार से आप देख रहे हैं, हाँ, इसको इस प्रकार से रस्सी की सहायता से बांध दिया है और इस तरह से अब इसके चारों तरफ सदारी के जो फूल खिलेंगे। और अब इसमें पानी डाल देते हैं